प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को आत्मघाती हमले में हत्या हुई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, जिससे तमिल विद्रोही संगठन लिट्ठे यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम उनसे नाराज चल रहा था। 1991 में जब लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव गांधी चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर गए, तो वहां लिट्ठे ने राजीव पर आत्मघाती हमला करवाया। राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्ठे की महिला आतंकी धेनु आगे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूलों में कंप्यूटर लगाने की व्यापक योजना बनाई, जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए, गांव-गांव तक टेलीफोन पहुँचाने के लिए PCO कार्यक्रम शुरू किया, पर इस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगे। सिख दंगे, भोपाल गैस कांड, शाहबानो केस, बोफर्स कांड, काला धन और श्रीलंका नीति को लेकर राजीव सरकार की आलोचना हुई। लिहाजा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और VP सिंह की सरकार बनी। साल 1990 में ये सरकार गिर गई और कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनी। साल 1951 में ये सरकार भी गिर गई और चुनाव का ऐलान हुआ। इन्हीं चुनावों के लिए प्रचार करने राजीव तमिलनाडु गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई। अदालतों में राजीव गांधी की हत्या के मामले ने लंबा सफर तय किया। आज के ही दिन 28 जनवरी 1998 को स्पेशल टाडा कोर्ट ने सभी 26 दोषियों की मौत की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान करीब 1000 गवाहों के लिखित बयान दर्ज हुए। 228 गवाहों से अदालत में जिरह हुई। 10,000 से ज्यादा पन्नों के 1,477 दस्तावेज अदालत में जमा किए गए। खैर, फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड में देरी के आधार पर तीनों आरोपियों की फांसी की सजा भी उम्र कैद में बदल दी। साथ ही तमिलनाडु की सरकार को अच्छे आचरण के आधार पर 14 साल बाद उन्हें रिहा करने की छूट दी। पर जब राज्य सरकार ने ऐसा किया तो कोर्ट ने ही उस पर रोक भी लगा दी। तब से केंद्र और राज्य में इसे लेकर लेटरबाजी हो रही है। सितंबर 2018 में तमिलनाडु की स्टेट कैबिनेट ने सातों आरोपियों को रिहा करने का संकल्प दोहराया, पर राज्यपाल ने अब तक उस पर अपनी सहमति नहीं दी है। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 28 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1835 में पश्चिम बंगाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। वहीं साल 1865 में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। वहीं साल 1878 में UK का येल डेली न्यूज पहला डेली न्यूज़पेपर बना था। आज के ही दिन साल 1930 में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हुआ था। साथ ही साल 1935 में आइसलैंड अबॉर्शन का आदेश देने वाला पहला देश बना था। वहीं साल 1962 में अमेरिकी अंतरिक्षयान चांद पर पहुंचने में नाकाम रहा था। आज के दिन साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी। साथ ही साल 2010 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के 5 हथियारों को फांसी पर लटकाया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।